रे गंगापुर की लुगड़ी सितारा जोर का, रे गंगापुर की लुगड़ी सितारा जोर का, एरी छोरा को दिल भाले ठुमका बोले मोर का। हे यलवर की, यलवर की परफ्यूम लगावे, यलवर की, यलवर की, यलवर की परफ्यूम लगावे। हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हो गए। हमारे YouTube चैनल निकिता मीना ब्लॉग चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज का एक और न्यू ब्लॉग, आज जा रहे हैं हम खेतों पे। खेतों पे आपको पता है देसी अंदाज इस टाइम पे सब्जियां गाँव में तो वही चल रही है, चने की, बथुआ, मेथी, पालक, ये। तो आज जा रहे हैं मैं, काली, और हो सकता है कोई और मिल जाए। तो हम जा रहे हैं चने की सब्जी लेने खेतों में, तो आपको घुमा लाते हैं, चलते हैं ना। ठीक है, ब्लॉग के साथ बने रहना। तो दोस्तों अब चलते हैं। अब से देखो ऐसे गए हो गए, बराने से कितने अच्छे हो जाते हैं, एकदम हरियाली हरियाली हो रही है इस टाइम तो, चारों तरफ झांको तो। भाई साहब आ रहे थे गुरु जी। दोस्तों मेरी जिठानी आएगी जो मेरे बिगाड़ेगी, देखो ये काम और भी यही है, यही। अब चलते हैं फटाफट से, इसे लड़ी में वीडियो बनाऊ जो जो देंगे जो ही। और मेरे को परखना पड़ा, लड़ो तो लड़ो। दोस्त हमारा की देखो कितना बेगड़ा बेगड़ा सी काई कर, क्या भी पूंछड़ी सी बने पूरे को। हम भाई ये तो मोई न चुचिने से ही थे यार, पीछे ही धड़ेला सा हो गए। अभी से ये कंडीशन आई गई उनकी, और एक खा जा रही है इसी बड़ी अन्नी को ले रहे। मोई से लगा तुम बस कोई जीवड़ो कर रहे देखे ही कई भाव जा रहे। और ज्यादा ना तो 10-15 जा ही रहे हो ना। कई कह रही हमारे वो सरमंती है, कह रही मेरे मुंह मत जा के अठा दे भाई। अब की बार एक बार जा रही स्टॉल उड़िया कंपटीशन हो रहे, बतो तोड़ बहुत कौन ज्यादा तोड़े। पानी बरसा की बने ये भर देंगे दोनों बैंड मिलर दे हम लुगड़ी लेर कहाँ जा रही है तू उड़ा भाई ये की मेरे को ज्यादा में नो। दीदी बथुआ तोड़ रही है, दीदी बथुआ तोड़ रही है, जोर से तो बोल तो पापा का फोन आ रहा है। अब ये बथुआ तो अब चलते हैं बथुआ ले लेके चलते हैं, कंपटीशन हो वो जीत गई काली रसना, छोटी जीती है रसना जीती है। भाग रही तो दोस्तों, और हाल तो मेरे कपड़े भी पड़े हैं, और अभी डोंगा वगैरह लेना है मुझे। आज बनाएंगे हम, बनाएंगे पकौड़ी। अब चलते हैं नीचे और मैं बनाऊंगी, कपड़े भी इकट्ठे कर लिए, रख लिए सारे कपड़े, और ये सामान लेके चलते हैं, बनाएंगे खाने की तैयारी। शाम के बज गए हैं, पकौड़ी बनाएंगे, इसमें थोड़ा पालक भी डालेंगे, और ये आलू प्याज सब। आज बना रहे हैं पकौड़ियाँ। तो दोस्तों इसमें देखो मैंने आलू काट लिए और थोड़ा सा ये हरा पालक डाल रही हूँ, पालक की पकौड़ी बनाऊंगी, पालक पकौड़ी, प्याज, पालक, और बिट्टू छील रहे हैं, क्या छील रहे हैं बिट्टू? लहसुन जानते हो, और लहसुन भी और अदरक भी तो डाल रही है। हाँ अदरक भी डाल रही है, और बिट्टू ने छील रही है, और कुछ बिट्टू की हेल्प मैं कर रही हूँ। अब मैं काट लिए कुछ प्याज, तो बिट्टू एक प्याज और रह गया उसको भी खा दो। करीब मैंने सभी प्याज काट लिए हैं, ये रह गए देखो ये। और मदद करूं तो मेरे, फिर मेरी मदद कौन करेगा? मैं।
देखो ये छील काट लिए मैंने, सभी लंबे शेप में काटे हैं। तो मैं तो अंगूर कट जाएगा ना, इसलिए मैंने काट लिया। मैंने देखो धनिया भी काट लिया है, कुछ और बच गया है, कुछ पत्तियां बच गई और तो सब काट लिया है। और ये धनिया, थोड़ा सा पालक भी डाला था मैंने, थोड़ा आरा आरा लग गई पकौड़ी अच्छी, धनिया ज़्यादा डाला है, ये सब भी डाल दिया। फिर धनिया और ये प्याज काट लिए, इसमें आलू, बिट्टू वो तो रह गई क्या, मिर्ची तो लेके आओ उधर से, जल्दी जल्दी। दोस्तों तो ये सभी मसाला मैंने काट लिया है, सबको मिक्स कर लिया देखो। और ये मैंने मिर्चियाँ देखो एक साथ में चार चार काट रही हूँ, एक साथ में चार। पकौड़ियों का मसाला करीब तैयार हो चुका है हमारा, सिर्फ बेसन ये रखा, इसको हम छान के भर देते हैं, इसके अंदर बाल्टी के अंदर भरा हुआ है बेसन, अब इसको इसमें डाल लेंगे। और फिर मैं बिट्टू कूट लिया लहसुन, देखो तब से लग रही है, अभी तक नहीं कूटा, इसे काम ही नहीं होता है लड़की से। ये देखो कितनी जल्दी मैंने ऐसे कर दिया। इसमें देखो पेस्ट कूट लिया है लहसुन का और थोड़ी सी अदरक डाले, रुको बिट्टू रहने दो, ये देखो हल्के कर लो, पागलो इससे कर लेते ना, रेंदे रेंदे मैं बाद में दो दूंगी, रेंदो। इसमें मैंने ये डाल दिया बेसन, बेसन मसाला ज्यादा डाला इसलिए बेसन भी ज्यादा डालेगा, ज्यादा नहीं बेसन सही है, मुझे ज्यादा मसाला सामान ज्यादा जैसे प्याज और आलू ज्यादा अच्छे लगते हैं, मेरे को आलू ज्यादा फेवरेट है इसलिए मैं आलू ज्यादा डलवाती हूँ। इसमें डाल देंगे, मम्मी लाओ मैं डाल दूंगी, नहीं रहने दो तीखा तो रहा है, इसमें मैं डाल दूँ, सौंफ डाल दी, मैं नमक मैं डालूंगी, नो हाँ चम्मच डालेंगे। तो दोस्तों ये मसाला मैंने मिक्स कर लिया, बेसन पकौड़ी का मसाला सभी चीज़ों को, पर इसमें हल्का सा बेसन कम लग रहा है, थोड़ा सा बेसन और लेके आ रही है निकिता, और अपना तेल भी लगभग गर्म हो ही चुका है, और बस थोड़ी देर में बना लेंगे, फिर खाना बनाना है मुझे। दोस्तों इसमें मैंने थोड़ा सा बेसन और डाल दिया, हल्का सा कम लग रहा था ना इसलिए, ज़्यादा नहीं डाला कम नहीं डाला, फिर क्या मुझे ज़्यादा दो डाल के देखिए, तेल अपना गर्म हो चुका है, अब तो करीब बहुत दिन बाद में पकौड़े बना रही हूँ, माधोपुर से आई जो बाद में फर्स्ट बारे बनाए हुए ना, हाँ। तो इसमें मैंने तेल गर्म हो चुका है, चेक भी कर लिया था, तो पकौड़ी डाल के और अब बना लेते हैं छोटी छोटी सी पकौड़ियाँ। तो दोस्तों ये हमारी पहली पकौड़ी बन गई, पहली ये मैंने खा के अभी देख लिए वाले को पकड़ रखा टूट गई, गरम मेरी दादी को ज्यादा फेवरेट है पकौड़ी, पालक बोली मुझको मैं तुमको टमाटर बोले खूब, अगर हमें भी खाओगे खूब बड़े हो जाओगे। तो ये पूरी पकौड़ी बन चुकी है अपनी, और इसको ढक के रख देते हैं, सब काम हो गया फ्री। और सेम के बनाएंगे अभी सब्जी, वो बनाएगी निकिता की चाची, मैं जब तक बना लेती हूँ रोटियाँ। अब बनाएंगे हम लोग रोटियाँ, और इधर